केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जूता कारोबारी के ठिकानों से 100 करोड़ कैश बरामद। गद्दे, तकिया, शूज के डब्बे उगल रहे हैं 500-500 रुपए की गड़िया। इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन वीक के करीब 42 घंटे से आगरा के 3 शूज कारोबारियों के 14 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। आईटी की रेड में शूज कारोबारियों के यहां पर बेड, आलमारी, बैग, जूतों के डब्बों में 500-500 रुपए के नोटों की गड़ियां मिली हैं, जिन्हें गिनने में मशीनें हाँफ रही है। सोना और चांदी के गहने के साथ ही करोड़ों रुपए जमीन में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन टीम ने शनिवार सुबह 11 बजे आगरा में एमजी रोड के वीके शूज, धाकरान के मंशु फुटवियर और हींग के मंडी के हर मिलाप ट्रेड्स पर जयपुर हाउस स्थित आवास समेत 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जहां पर आईटी टीम ने हर कर्मचारी और परिवार के लोगों के घर से बाहर जाने जाने में पाबंदी लगा दी। आईटी टीम ने हर जगह से दस्तावेज, इलेक्ट्रिक गजर, लैपटॉप समेत अन्य को कब्जे में लिया, उनमें डाटा ट्रांसफर कर लिया। आईटी टीम को हर मिलाप ट्रेड्स के मालिक रामनाथ डंग की जयपुर स्थित आवास से करीब 500-500 रुपए के नोटों की गड़िया, बेड, गद्दों, अलमारी, जूते के डब्बे, थैली और दीवारों से भरी मिली थी। इस अकूत खजाने की 10 से अधिक मशीनें से गिनाई जा रही है। नोट इतने अधिक है कि मशीनें तक हाँफ जाती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बेड पर नोट बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही रामनाथ डंग के गोविंद नगर स्थित आवास में भी नोटों की गड़ियां मिली हैं, जहां पर भी अलग से टीम रुपए गिनने लगी है। वॉशिंग मशीन और दीवारें भी टीमें खंगाल रही है। आईटी टीम को छापेमारी में शूज कारोबारी रामनाथ डंग के यहाँ से आय से अधिक संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर आईटी की टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही अन्य शूज कारोबारियों के यहाँ से आय से अधिक संपत्ति के साथ ही टैक्स में हेराफेरी के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही ब्याज का हिसाब किताब भी मिला है। इनकम टैक्स की टीमों ने देखा कि रकम और दस्तावेज अधिक है, जिनकी छानबीन 42 घंटे में से जारी है। इसे में शनिवार 10 रात बजे के बाद लोडिंग टेम्पो से मंगवाए टेंट हाउस के गद्दे और तकियस में कर्मचारी रात गुजार रहे हैं। बता दें कि इनकम टैक्स को हर मिलाप ट्रेड्स के मालिक रामनाथ डंग के यहाँ पर जो कैश बरामद हुआ है, उससे शूज कारोबारी में चलने वाला पर्ची का काम चर्चा में आ गया है। रामनाथ डंग की 2 दशक पहले मोती कटरा में आटा चक्की थी, जिसके बाद ही हिंग मंडी में पर्ची का काम यानी कि शूज कारोबारियों को ब्याज पर रुपए देने का काम था। जब पर्ची का काम अच्छा चलने लगा तो उन्होंने आटा चक्की बंद कर दी और शूज कारोबारी में हाथ आजमाए। आईटी की कार्रवाई में रामनाथ डंग की आवाज़ के 20 से अधिक शूज कारोबारियों के नाम की पर्ची मिली है। पर्ची का खेल उजागर होने से शूज कारोबारियों में खलबली मची हुई है। हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि पर्ची से ब्याज के साथ ही लेन देन का काम भी बड़े स्तर पर होता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।